हाय लिस्टनर्स, दिस इज रेडियो द्वारका, आई एम खन्ना। तजुर्बा की कड़ी में ये तीसरा प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं और जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में, उनका नाम है श्री पीपी बंसल। इस नाम से वो जाने जाते हैं, उनका पूरा नाम है श्री प्रेम प्रकाश बंसल। पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, बहुत बड़ा तजुर्बा है उसके पीछे, बहुत खट्टी मीठी याद है क्योंकि कई संस्थाओं में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने उनको देखा है काम करते हुए और बड़ा आशीर्वाद रहा है। बहुत सी संस्थाएं ये चाहती है कि किस तरीके से वो हमारे साथ जुड़े रहे ताकि आने वाले समय में अच्छा काम द्वारका और द्वारका के लिए कर सके। तो मैं मिलवाना चाहता हूं आपको श्री पीपी बंसल जी से। बंसल जी, आप यहां आए, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपका भी और रेडियो द्वारका का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे कुछ अपने विचार बोलने का समय दिया। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने बारे में लोगों को थोड़ी सी जानकारी दें ताकि हमें पता लगे कि एक इंसान कहां से शुरू करता है और इतने लंबे युग के बाद कहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने विषय में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जस्ट फॉर माय इंट्रोडक्शन, कि मैं, जैसा कन्ना साहब ने अभी बताया, कि दिल्ली के बड़े पुराने घराने में मैं पैदा हुआ। बचपन मेरा बहुत लाड प्यार से बीता, स्कूलिंग हुई और मैंने दिल्ली के ही रामजस कॉलेज से बीएससी की। जिस समय बीएससी की, तुरंत उस समय मैं सर्विस में लग गया और सर्विस के दौरान जो हमारी एक फर्म थी वो एक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन थी और नॉर्दर्न इंडिया के वो रशियन ट्रैक्टर्स के डीलर्स थे। इस दौरान में मैं उनके पास लगभग 10 साल सर्विस में रहा और इस दौरान में मैं रशियन से कांटेक्ट में आया। मुझे ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूएसएसआर से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से डील करना पड़ता था और वहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा। उसी दौरान, क्योंकि मुझे बचपन से ही कुछ शौक था, कुछ स्पेशलाइजेशन का, कुछ स्पेशल नॉलेज, कोई पर्टिकुलर नॉलेज लेने का, तो उन्हीं दिनों उसी सर्विस के दौरान मैंने एमबीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। वो मेरे को जीवन में बहुत काम आई वो एजुकेशन, और जो कुछ भी मैंने वहां सीखा उसमें मैं जस्ट ये बताना चाहूंगा जो कि आज के तजुर्बा से रिलेटेड है। हालांकि वो कोर्स मैंने 3 साल पढ़ा, लेकिन अंत में उसका जिस्ट यही था कि मनुष्य को कोई भी नॉलेज प्राप्त करने की हर वक्त इच्छा रहनी चाहिए। एक सवाल मेरे जहन में आता है, क्योंकि जिस समय की ये बात की जा रही है, मेरा ख्याल है अब भी आपने 1964 में की, 64 का बैच था, जैसी आप बात बता रहे थे मुझे, जी जी, उसमें पेरेंट्स का भी एजुकेशन की दिलवाने में बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। तो उस टाइम के और आज के युग में कितना फर्क नजर आता आपको? उस वक्त पेरेंट्स का कोई इनिशिएशन या थ्रस्ट नहीं था। एमबीए मैंने प्योरली अपनी इच्छा से, यहां तक कि अपनी सैलरी में से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेकर ही वो कोर्स मैंने किया, अपनी मर्जी से, और वो दैट वाज ए पार्ट टाइम कोर्स, भगवान की कृपा से। और वो मैं तो समझता हूँ खेल खेल में हो गया, जबकि और लोग क्लब्स में भी जाते थे अपने एक्स्ट्रा टाइम में, जो सर्विस मैन थे वो अपना शाम का समय कैसे बिताते होंगे, लेकिन मैं प्रतिदिन 3 घंटे वहां यूनिवर्सिटी जाता रहा और वहां पर, और मुझे खुशी होती थी जब मैं कुछ नॉलेज हासिल करता था, नई नई बातों का पता लगता था मुझे, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिस समय मैंने ये कोर्स किया तो मैंने सिर्फ इतना जाना, जो कि हमारे डीन प्रोफेसर ए दास गुप्ता ने हमको लास्ट लेक्चर में उन्होंने हमें बताया कि इंसान जो नॉलेज हासिल करता है वो 2 प्रकार से हासिल करता है। एक तो वो हासिल करता है किक्स एंड ट्रायल्स से, जो कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि जो एकेडमिक दूसरी नॉलेज वो प्राप्त करता है अपने स्कूल कॉलेज के द्वारा, जिसे हम एकेडमिक नॉलेज बोलते हैं। एकेडमिक नॉलेज हिंदुस्तान में कहां तक कामयाब है, कितना लाइफ टाइम में वो काम आती है, वो एक प्रोसेस को तो बताती है कि हमने किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह डील करना है, लेकिन एज इट इज बहुत कम लोग अपनी उस नॉलेज को इस्तेमाल कर पाते। तो किक्स एंड ट्रायल्स के द्वारा आदमी जो सीखता है वो एक बहुत लंबा पीरियड होता है, और जो तजुर्बे से या
अपने साथ के लर्नेड लोगों के साथ में रहकर वो सीखता है, समझता है, तो वो बहुत कम समय में उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, जब जब भी उसे मुश्किल पड़े या कोई भी प्रॉब्लम आए तो। जैसा कि आपने कहा कि एक बिजनेस परिवार से आप थे, बिजनेस परिवार से थे, तो नेचुरली आपने वो टाइम जो है शाम का पार्ट टाइम कोर्स किया और पार्ट टाइम कोर्स करके आपने डिग्री हासिल कर ली। उस समय था ही पार्ट टाइम कोर्स, पार्ट टाइम कोर्स था, वेरी गुड। तो पार्ट टाइम से जब डिग्री हासिल कर ली, उस टाइम ऑलरेडी जॉब में थे आप? हाँ, आई वाज इन सर्विस। तो ये जो डिग्री आपने हासिल की, इससे आपको इमीडिएट कोई मॉनेटरी बेनिफिट हुआ मैनेजमेंट में? ये रियलाइज किया कि एक आदमी मास्टर डिग्री लेके आया है, सारा दिन काम करने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये जानना मेरा इसलिए जरूरी था। ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये हमको हमारे जो डॉक्टर ए दास गुप्ता जो डीन थे, उन्होंने हमको पहले ही बता दिया था कि बच्चों ये मत समझना कि आप डिग्री लेकर जा रहे हो तो एकदम से कोई आपको बूस्ट या आपके स्टेटस में थ्रस्ट होगा। ये आपकी अपनी मेहनत होगी, अपनी नॉलेज होगी कि कहां पर आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन इतना मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इस कोर्स ने आपको वो सब सिखा दिया है कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसे कॉन्फिडेंटली मीट विद कर ले, उसको फेस कर ले। आज इतने साल के बाद 1964 और 2016, आप क्या महसूस करते हैं कि वो डिग्री ने आपको जिंदगी में कुछ करने के लिए वादे किया, कुछ हुआ? मैं आज अपने तजुर्बे से ये बताऊंगा और ये कहना चाहूंगा बहुत फोर्सफुली कि उसे हम खाली डिग्री ना कहें, उसे एक ऐसी नॉलेज कहें कि जो कि मस्ट है। उसे आप तजुर्बा कहें या एकेडमिक क्वालिफिकेशन या नॉलेज कहें, आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं आज जब भी मुझे यंगस्टर्स मिलते हैं आज के समय में, जो यंग फ्रेशर्स होते हैं, बैचलर्स होते हैं, मैं कहता हूं भाई चाहे कुछ भी हो, आप ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स को जरूर समझें। इसमें एक सब्जेक्ट आता है ह्यूमन साइकोलॉजी इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, मोर और लेस इट इज ए साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट जिसमें कि हम लेबर को, वर्कर्स को डील करते हैं, और वो एक इतना जरूरी है कि हमें वो डील करनी आनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे लिए वो कोर्स एक सिर्फ डिग्री नहीं थी, डिग्री से भी बहुत ज्यादा एक ऐसा तजुर्बा था जो मैं शायद जाके अपने ओल्ड एज या अधेड़ा अवस्था में हासिल कर पाता, वो मैं अपनी उस अवस्था में 64 में मैंने हासिल कर लिया, और उसको मैं अपने जीवन में आज तक इस्तेमाल करता। मैं इसलिए ये सवाल पूछा था क्योंकि जब आदमी की इच्छा होती है, ये इच्छा शक्ति जो है उस आदमी को आगे बढ़ाती है, क्योंकि आपके मन में था कि मुझे एक प्रोफेशनल बनना है, उसके पीछे बैकग्राउंड कुछ भी रही हो, तो जब आदमी कोशिश शुरू करता है तो मैं समझता हूँ ऊपर वाला भी उसकी मदद कर देते हैं, जैसा कि कहा है बुजुर्गों ने। आपने बहुत अच्छा कहा इच्छा शक्ति के बारे में। इस विषय में मैं एक छोटी सी बात और ये कहना चाहूंगा कि मैं जब अपनी युवावस्था में स्कूल टाइम में था, तो उस समय रेडियो होते थे, टीवी तो होते नहीं थे, तो एक महफिल में मैंने गजल सुनी, जज्बा दिलगर जो चाहे हर चीज मुकावे ला जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। जी, जी, दिल में वो जज्बा होना चाहिए कि हमने अपने एम को अचीव करना है। हम पूरे जज्बे, पूरे मेहनत के साथ अगर चलेंगे तो हम देखेंगे वो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है और वो आसान होगा। ये मैं कहूंगा आज तजुर्बे के लिए एक सबसे बड़ी बेसिक बात। जैसे आपने कहा, किसी शायर ने ये लिखा है, मैंने जिंदगी से पूछा कि तुम कठिन क्यों है, मैंने जिंदगी से पूछा तू कठिन क्यों है, जिंदगी ने हंसकर कहा क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। कठिन और आसान, ये हम लोगों के ही अपने क्रिएशन है। एक मनुष्य के लिए जो चीज कठिन है वो दूसरे व्यक्ति के लिए आसान है, जी, और वाइस वर्सा। तो कठिन और आसान, मैं कोई चीज कभी मेरे दिमाग में आती नहीं थी कि ये मुश्किल है या क्या है, जो चीज दिमाग में आ गई ये करना है तो करना है। और यही कारण है कि मैं प्रभु पे इतना विश्वास, मैं बिल्कुल आस्तिक हूं, भगवान में पूर्ण विश्वास रखता हूं, प्रभु पे विश्वास रखते हुए मैं इस बात को कह सकता हूं कि जीवन में मैंने जो भी कर्म किया उसमें मुझे सफलता ही मिली, थोड़ी या ज्यादा, ये प्रभु के हाथ बात थी। हाँ, अपने इंसान के हाथ तो उसे दी नहीं है। मैं संतोष
करता था जो भी मुझे उसका रिजल्ट मिलता था, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज जहां जिस स्थिति पे मैं हूं तो ये सब मेरी मेहनत का है। मैं अपनी मेहनत ना कहकर अपने कर्म का कहूंगा। गीता का भी उपदेश है, कर्मण्येषु वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्म का ध्यान रखना चाहिए, वही हमारी पूजा, वही धर्म और वही हमारी नॉलेज और तजुर्बा। अच्छा बंसल साहब, अब थोड़ा सा हमें बताएं अपने परिवार के बारे में, क्योंकि आदमी जब एजुकेशन पा लेता है, शादी हो जाती है, उसके बाद जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, तो किस तरह से आगे बढ़ी जिंदगी? परिवार के विषय में मैं अगर बताना चालू करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं एक दिल्ली के पुराने एक चौधरी खानदान से बिलोंग करता हूं, अग्रवाल फैमिली को बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ चौधराहट हमारी पुरखों से चली चली आ रही थी, तो फादर तक वो चौधराहट चलती रही, लेकिन उसके बाद से वक्त भी बदल गए। हम सात बहन भाई थे, पांच ब्रदर्स, दो सिस्टर्स, मैं उनमें सबसे बड़ा था। और शायद यही कारण था कि मन में एक ईगो हर समय ये रहती थी कि भगवान ने मुझे बड़ा बनाया है तो मैं बड़ा ही बनकर रहूं। प्रभु ने इसमें मेरी बहुत सहायता करी और आज दिन तक, आज मैं 80 साल का हो चला हूं, मेरे भाई बहन है, अनफॉर्चुनेटली मेरे से दो छोटे ब्रदर्स जो है इमीडिएटली उनका स्वर्गवास हो गया है, लेकिन आज भी जब मेरा परिवार, उनके बच्चे, उनके पोते पोतियां और उनके बच्चे सब मिलते हैं, तो मेरे परिवार में आज भी 70-80-100 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, और वो जब सब उनकी बहुएं सब आकर मेरे पैर छूती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेताज बादशाह हूं। और ये शायद मेरे जीवन के वही क्षण है जो कि मैं कह सकता हूं, जो जीवन में मैंने अपने आप को इस लायक बनाने के लिए इस तरफ मैं कर्म करता रहा। मेरी शादी हुई 1957 में, 1957 मेरे लिए मेरी लाइफ का टर्निंग पीरियड रहा। 1957 में ही मेरी शादी हुई, 1957 में ही मैंने ग्रेजुएशन की और 1957 में ही मेरी सर्विस लगी। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट। तो मेरे दो बच्चे हैं, बड़ी लड़की छोटा लड़का। छोटी उम्र में शादी होने से, उस समय मैं 21 साल का था, वाइफ मेरी 17 साल की थी। उस समय ये शादियां हो जाती थी, माँ बाप अरेंज करते थे, आज तो बहुत समय बदल चुका है। तो लेकिन फिर भी बुद्धि ने और दिमाग ने ये कहा कि नहीं भाई, ज्यादा बच्चे ठीक नहीं, उनको पालना है, अपनी सामर्थ्य से ही पालना है। तो इस बात को देखकर दो बच्चे मेरे रहे, बड़ी लड़की और छोटा लड़का। मैंने कहा ये मेरा एक छोटा सा संस्कार परिवार है और मैं इसी में खुश रहना चाहिए। मैं अपना जीवन चलाता चला गया। वाइफ की मेरी डेथ 91 में हो गई, लड़की की मैंने शादी करी, लड़के की शादी कर दी, लड़की अब अपने घर की है, उसका परिवार है, सब कुछ है। लड़का आज भी मुझे अपने साथ रखता है, मैं ये नहीं कहूंगा मैं उसके साथ रहता हूं क्योंकि सब बदल गया, लेकिन जो मैं बचपन में एक जॉइंट फैमिली में रहना चाहता था और जिसका मैं प्रयत्न करता रहा, प्रभु की बहुत कृपा है, मेरा बच्चा ही मेरा लड़का मेरा सब कुछ धन है, वो ही मेरा पुत्र रत्न है। उसकी वाइफ, उसके तीन बच्चे हैं, दो बड़ी लड़कियां हैं, वो भी अभी बड़ी पोती की अभी शादी हुई है, छोटा सबसे छोटा पोता है जिस जो ग्रेजुएशन कर चुका है और मेरे साथ बिजनेस में, ये मेरा परिवार है। लेकिन मैं बहुत सुखी परिवार हूँ, प्रभु की अनंत कृपा। बंसल, मैं आपके परिवार से परिचित हूँ, मिल चुका हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब उससे बात करते हैं, जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। ये ज्वाइंट फैमिली ही एक आदमी, मेरे ख्याल है, बच्चे को बहुत कुछ देती है, लेकिन आज के युग में वो रहा नहीं है, छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, न्यूक्लियर, तो उससे क्या होता है कि बच्चे को वो संस्कार नहीं मिल पा रहे कि जो हम देना चाहते हैं। लेकिन आपके परिवार में ऐसा नहीं है, मैं भली भांति परिचित हूं उनसे और बात करके अंदाजा लगा चुका हूं कि नहीं, जो आप चाहते थे मेरे ख्याल वो आपके सामने है। कन्ना साहब, मेरा इस विषय में सिर्फ यही कहना है, जैसा मैंने कहा कि मेरे जो भी संस्कार हैं वो मेरे माता पिता, मेरे नाना नानी से मिले, वो बहुत धार्मिक लोग थे, उनका सारे साल और 24 घंटे कोई ना कोई धार्मिक प्रवचन, साधु संत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जी आते रहते थे, वहां 7-7 दिन की सप्ताह,
कथाएं होती थी, कीर्तन अखंड होते थे, शायद उनका प्रभाव रहा मेरे ऊपर। मेरा कहना यह है कि वो समय एक ऐसा था, समय मनुष्य के कंट्रोल में नहीं होता, वो हालात का शिकार होता है। कि आज बड़ी फैमिली होना, जैसे जॉइंट फैमिली का अगर आज मैं सोचता हूं, आज हम लोग अपने पांच भाई अलग अलग रहते हैं, इसीलिए मैं समझता हूं आज भी हमारी प्यार मोहब्बत है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं, जहां तक मैं समझाऊं, परिवार छोटा होना चाहिए, परिवार छोटा होना चाहिए बस, नहीं हमें अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। सोच मैं बहुत परिवारों से परिचित हूं जिनमें मैं देखता हूं कि बड़े बुजुर्ग, क्योंकि आदत पड़ी हुई है इम्पोज करने की, वो मेरा फैसला क्यों नहीं, वो नहीं होना चाहिए, वो उससे क्या हो रहा है, उससे क्या, वो वहीं से ही एक बुनियाद हिलती नजर आती है। सर जी, ये तो सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने महाभारत की है। धृतराष्ट्र अपनी ईगो को अपने बच्चों के द्वारा पूरी करना चाहता था, और उसका अंत क्या है सबको पता है कि महाविनाश हुआ। कहने का मेरा मतलब ये है, मैं ये नहीं कहता कि बड़े बुजुर्गों को मानना ही नहीं चाहिए, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि उनकी, अब ये मेरे बेटे में एक खूबी कहो, उसकी पेशेंस कहो, उसकी एजुकेशन कहो, उसके संस्कार कहो, कि वो मेरी बात को सुनकर उसको एक वैल्यू देता है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन बुजुर्ग को आज चाहिए कि वो अपना जीवन यापन अपने ढंग से करे, किसी पे डिपेंड होकर नहीं। हाँ, जब ऐसा समय आएगा तब जो होगा प्रभु अपने आप करेगा, हम तो अवसरवादी और प्रभुवादी हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि दोनों जनरेशन जो है एक दूसरे को जब तक समझेंगी नहीं, तो फैसला आप करें या वो यंग जनरेशन करे, कहीं ना कहीं रुकावट रहेगी, दीवार बनी रहेगी। बिल्कुल। अच्छा बंसल साहब, मैं एक और चीज जानना चाहता, कई सारी संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए, तो अक्सर ये कहा जाता है कि एक रिटायरमेंट के बाद, जैसे मैंने पिछले जो प्रोग्राम किए उनमें भी कहा कि लोग शांत हो जाते हैं, शांत होने का मतलब वो सोचते हैं बस एंड आ गया, अब आगे कुछ नहीं। लेकिन आप भी नहीं हुए, आप जैसे नहीं। मैं नहीं हुआ, जी जी, मुझसे कहा कि आप शांत नहीं हुए। नहीं, आपकी अवस्था में, मेरी अवस्था में मैं लगभग समझता हूँ 10 साल का अंतर तो लगभग होगा, ज्यादा। चलिए, ज्यादा और भी अच्छी बात है। तो मेरी नजर में तो आप अभी जवान है जी, मैं वृद्ध हो चुका हूँ। लेकिन मेरी अपनी राय इस विषय में ये है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं संस्थाओं से नहीं जुड़ा जी, मैं किसी से नहीं जुड़ा। मेरे मन में सिर्फ मेरा अपना स्वार्थ, अपनी एक ही बात रही कि जैसे मैंने अभी कहा कि मैं अपने परिवार में अपने ढंग से अलग रहना चाहता हूं, तो अब अपना समय कैसे कटे, सारा घर में 24 घंटे तो रहा नहीं जाता, चाहे टीवी कंप्यूटर या बिस्तर के अलावा भी कुछ चाहिए। तो कुछ संस्थाओं जो मैंने सबसे पहले अपना समय, क्योंकि बचपन से मुझे कुछ म्यूजिक का शौक रहा है, म्यूजिक सुनने का, उस पे मैं बात करूंगा आपसे, मैं थोड़ा बाद में, मैं तो उसमें मेरे कुछ मित्रगण जिन्होंने की वो संस्था चलाई हुई थी, मैं उनके साथ जुड़ा और मैं अपना समय मेरा बहुत अच्छा बीतने लगा, मैं बहुत उससे प्रसन्न और खुश रहने लगा। फिर अब ये मुझे नहीं पता कि मेरे में ऐसा क्या था, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा आगे रखा और मुझे अग्रगण्य मानते हुए उन्होंने पैट्रन या प्रेसिडेंट बना दिया या इंपॉर्टेंस दी। आज भी इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगा, जो कि मैं कभी कभी झिझकता हूं, एक सोसाइटी द्वारका में मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, मैं उसका प्रेसिडेंट रहा, फाउंडर प्रेसिडेंट हूं, 84 से रजिस्टर हुई, 2000 में उसके बनाकर फ्लैट दे दिए और मैं अनअपोज प्रेसिडेंट रहा, यूनैनिमस। सब लोग, सारे मेंबर्स कहते भाई प्रेसिडेंट तो बंसल रहेंगे। खैर, वो किसी तरह मैं 12 साल और वहां रहा, जब भी हर 3 साल के बाद इलेक्शन होते थे सब लोग आकर मेरे को जबरदस्ती कहते थे कि नहीं आप ही प्रेसिडेंट होंगे। सो मच सो वहां पे RWA बनाई रेजिडेंट्स ने और उसमें भी मेरे पास आए कि जी आप हमारे प्रेसिडेंट RW। मैंने भाई मैं 2 जगह प्रेसिडेंट कैसे होऊंगा उसी सोसाइटी में, बोले आपने कुछ नहीं करना बस आप उनपे एनी हाउ। तो कहने का मेरा मतलब ये, 2012 में मैंने फोर्सिवली लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के मैंने रिजाइन किया, मैं बैकआउट किया, लेकिन आज भी वो लोग मुझे एक स्पेशल कैटेगरी में लाते हुए मुझे कोऑर्डिनेटर कहिए या एडवाइजर कहिए, मुझे आज भी अपने साथ रखते हैं। और जब भी कोई भी फंक्शन सोसाइटी में होली दिवाली का होता है
तो जिस तरह वहां के छोटे छोटे बच्चे, जवान लड़के, उनकी वाइफ्स, बड़ी महिलाएं आती हैं और वो जब मेरे पैर छूकर मुझसे आशीर्वाद लेती हूं लेते हैं, तो मैं इतना खुश होता हूं और समझता हूं कि प्रभु की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, मैं समझता हूं मेरे अंदर ऐसी तो कोई बात है नहीं। शायद खन्ना साहब आप भी मुझे ये बात कहते हैं, ये बात मैं जरूर समझना चाहूंगा, मैं समझाने की, क्योंकि कोई भी एज कुछ भी समझने के लिए और सीखने के लिए बड़ी नहीं होती। मनुष्य चाहे तो हर उम्र में सीख सकता है। बिल्कुल ठीक कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं, हाँ, समय नहीं। मैं कहता हूं कि जिस संस्था के साथ आप जुड़ते हैं या जो संस्था आपको प्रसाद जोड़ती है, उनका भी एक मकसद होता है। वो मकसद इसलिए होता है कि हर आदमी जिंदगी में एक स्टेप ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि आपने इतनी लंबी जिंदगी दी, इतना एक्सपीरियंस देता, इतने लोगों से आपकी मुलाकात होती है। क्योंकि एक संस्था ऐसी भी है जिसमें मैं आपके साथ काम करता हूं, और वो है एज वेल हॉलिस्टिक केयर, जिसके आप प्रेसिडेंट हैं, और मैं वो आप, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उसके जनरल सेक्रेटरी हूं, आपने और हम मिलकर उसको आगे ले जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, कई और संस्थाएं भी है, जैसे पहल सोशल ऑर्गेनाइजेशन में है, लोग आपकी इज्जत करते हैं, जो छोटे बड़े का लिहाज है वहां, और म्यूजिकल प्रोग्राम है, आप उसको उसके पैटर्न है, म्यूजिकल प्रोग्राम करते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती बिठा के रखना चाहते हैं, क्योंकि एक देखिए, एक बड़ा जब बैठा होता है एक नंबर वन पे, तो छोटे को थोड़ा सा, मेरे ख्याल है वो जनरेशन में अभी इतना नहीं आया कि बिल्कुल इग्नोर कर दे, इसलिए हर आदमी चाहता है कि एक बड़ा आदमी हमारे सिर पे रहे, ताकि अगर हम कोई गलती कर रहे हो तो हमें कम से कम बता सके, हम उसको सुधार सके। मैं नहीं जानता बड़े आदमी होने की क्या परिभाषा है, लेकिन लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उन्हें मना नहीं कर पाता हूँ। ये मेरे में पता नहीं मैं इसे गुण कहूँ या अवगुण कहूँ। मैं आज भी सोचता हूँ, आप भी जानते हैं खन्ना साहब, कि मैं एज वेल में कितना पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या क्या करता हूँ, लेकिन फिर भी जितना आदर मुझे देते हैं, मैं कभी कभी जब रातों को सोचता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप फिर भी कहते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है। इसी प्रकार चाहे वो पहल है, चाहे डॉक्टर सूरी उनकी ग्लोबल डेवलपमेंट फाउंडेशन है जिसकी एज वेल भी एक पार्ट है, या सुर संजीवनी है, या गोल्डन शाइन है रोहिणी में, या और भी इस तरह की कुछ संस्थाएं, मेलोडी फाउंडेशन मधुमिता जी की है, वो सब लोग अच्छा। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे इस बात को कहने में झिझक नहीं है, मैं व्यापारी वर्ग से हूं और शायद लोग ये सोचते होंगे, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन हर संस्था में फाइनेंस की आवश्यकता होती है, और वो समझते होंगे कि भाई बंसल से हमें कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, लेकिन जबकि मैं आपसे भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता या कर पाता हूं, इच्छा बहुत रहती है मेरी, लेकिन मेरी अपनी सामर्थ्य को देख के कि मैं पहले अपना घर देखूं, या अपने मैं अपने घर को लुटाकर शायद सेवा नहीं कर सकता, समाज सेवा, क्यों कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले मुझे अपना घर देखना होता है। हाँ, भावना आज भी जरूर है, और शायद पहल से मैं इसी भावना से जुड़ा था कि मुझे मलय चक्रवर्ती जो उनके ऑर्गेनाइजर और प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ में मैं सबसे पहले मिला और उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा आप हमारे साथ आ जाएंगे। आपको अच्छा लगता है सोशल कमिटमेंट्स, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने में? अच्छा लगने की बात, जब वो कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसे अपना थोड़ा दुर्भाग्य ही कहूंगा कि जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, जो एम और ध्येय लेकर वो सामने चलती हैं, अपने एक्शन में वो उससे बहुत परे हट जाती, बहुत कम ऐसा है। जैसे कि आपने अभी कहा एज वेल को, तो मैं समझता हूं कि वो आप चला रहे हैं तो वो चल रही है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि खन्ना साहब अगर नहीं है तो एज वेल भी खत्म है। तो कहने का मेरा मतलब, जो एम हम जिस संस्था का बनाएं, उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य होता ही रहना चाहिए, और वो आज की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में उसमें लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट आ जाते हैं और वो फिर क्लैश होने लगते हैं। ये जनरल टेंडेंसी ये मैंने नोट करी। एक और सवाल जो मैं अक्सर पूछना चाहता हूँ और पूछता हूँ जी, बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ के काम करने में हाँ कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्या सोचते हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है इस विषय में? देखो, तो संस्था में
हर एक के अपने अपने बायलॉज अपने अपने एम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इस विषय में मेरी भावना एक है जो कि शायद मैंने एमबीए से ही पढ़ा, हर मनुष्य का अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। एक मनुष्य एट ए टाइम 5 से 7 चीजें जनरली एक नॉर्मल आदमी है वो लेके चलता है, घर परिवार है, बाहर की कमाई है, सोसाइटी समाज मित्रगण है। जो थोड़ा और सक्षम होता है वो 7 से 8, 10 तक लेकर चलता है, लेकिन जो जीनियस जिन्हें हम कहेंगे जिस कैटेगरी में रखेंगे वो हमारे नेतागण लीडर होते हैं, और वो जो हाई अप कुर्सी पर बैठे होते हैं जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर लीजिए, आज वो पूरी दुनिया को अपनी नजर में। इस विषय में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, एक दफा नेहरू जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मुझे मेरे सामने फादर ने कहा कि उनसे किसी ने पूछा कि नेहरू जी आप किसी धर्म को तो मानते नहीं, फिर प्रतिदिन आप ये मेडिटेशन में जो बैठते हैं तो क्या करते हैं। नेहरू जी 4:15 उठते थे डेली और योग वगैरह करते थे और उसके बाद वो अपने मेडिटेशन में बैठ जाते थे। वो कहते मैं किसी भगवान का या किसी का ध्यान नहीं करता, मैं अपने ग्लोब को अपने दिमाग में लाता हूं और सिर्फ ये सोचता हूं कि कहां दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है और फिर उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूं। तो जो आपने अभी कहा, बहुत सारी संस्थाएं ऐसा कुछ नहीं, ये आपकी अपनी कैपेसिटी सोचिए कहां तक है, हाँ लेकिन उनके साथ जुड़े तो एक्टिवली जुड़े। जैसे मैंने ये सवाल क्यों किया था, क्योंकि हमारा इतना बड़ी दुनिया, इतना बड़ा देश, यहाँ जहां हम रहते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, इतनी सारी समस्याएं, अगर हम एक काम करते रहेंगे तो बाकी का ध्यान हमारा कभी भी नहीं जाएगा। तो जो भी हमारे कंट्रोल में हो सके, जैसा आपने कहा, हमें उन संस्थाओं के साथ जुड़ के अपना योगदान देना चाहिए, वही मेरे ख्याल ऊपर वाला भी हमसे चाहता है। और मैं समझता हूं कि अगर मैं या आप या कोई तीसरा आदमी बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ने के बाद कर ही कुछ नहीं सकता, तो वो करने ही कुछ नहीं देता नहीं। तो बेकार है, वो गलत। तो मैं ये कहूंगा कि इतनी बड़ी जिंदगी देखी, पुरानी दिल्ली का वातावरण, वॉल्ट सिटी, उसके बाद दिल्ली आपके सामने बनी, अंग्रेज आपके सामने चले गए, उसके बाद आप यहाँ द्वारका में आ गए, द्वारका में आपने काम किए, लोगों के साथ जुड़े, तो ये बहुत लंबा स्पैन था बहुत, मेरे लिए। और इतने लोग आए होंगे, वैरायटी ऑफ पीपल, डिफरेंट दिमाग, करेक्ट, और घर बार सेटल करना, बच्चों को सेटल करना, इतना बड़ा युग देखा आपने, तो ये भी हर आदमी की किस्मत में मैं नहीं, मैं चाहता हूं कि भगवान इतना करे कि आपको कम से कम 20-25 साल और दे, ताकि जो सेवा भावना आप कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाए और हमारे लिए एक आशीर्वाद बन जाए। कहीं मैं पढ़ रहा था, कहता है डू और डाई इज एन ओल्ड कंसेप्ट, मैंने पढ़ा है, मैं मुझे ध्यान नहीं है, डू एंड डाई इज एन ओल्ड कंसेप्ट बट डू बिफोर डाई इज ए न्यू कंसेप्ट। क्या तो मैं ये चाहता हूं, हम बहुत सारी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने बहन भाइयों के बारे में सोचते हैं, हमारे माँ भी हमारे लिए ऐसे सोचते रहे होंगे, लेकिन हमें जाने से पहले कुछ ना कुछ अच्छा करके जाना चाहिए। ये आप भी समझ रहे होंगे, समझ सोचते होंगे, मैं भी यही सोचता हूँ। जाने से पहले ही नहीं, मनुष्य को जीवन में हर क्षण अच्छा ही करना चाहिए, अच्छा ही सोचना चाहिए, और तभी मनुष्य अपने वृद्धावस्था में शांतिपूर्ण ढंग से रह सकता है। आप लोगों को कुछ अपील करना चाहेंगे, उन लोगों को जो अपनी एक सीढ़ी तो पार कर चुके, रिटायर हो गए, घर आ गए, कुछ करना भी चाहते होंगे, कुछ लोग नहीं भी करना चाहते होंगे, दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं, जैसा हमारा तजुर्बा है, आपने भी देखा होगा जी। वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं या वो लोग जो कुछ कर नहीं पा रहे लेकिन समय है, करूं क्या, उनको समझ नहीं आता, रास्ता नहीं आता, डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि वो निकलते नहीं बाहर, दिखते नहीं, उनसे कुछ अपील करना चाहिए। इस विषय में हालांकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि कोई भी अवस्था छोटी या बड़ी नहीं होती, आदमी का विचार होता है। बच्चे लोग भी अगर वृद्ध की बात करेंगे तो वो कहते हैं भाई तू तो बड़ा बूढ़ा हो गया। मैं यहां ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में मैंने कहीं पढ़ा था कि धन की 3 गतियां होती हैं। धन कमाना चाहिए तो मनुष्य का कर्म हो गया। धन की 3 गतियां हैं, पहली गति है परोपकार, दूसरी गति है व्यापार, और तीसरी गति अधम गति है कि अगर हम धन कमाने के बाद भी अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमें जो है गर्त की तरफ ले जाएगी, नीचे ले जाएगी।
तो इसलिए परोपकार इज द बेस्ट एक्शन, खासतौर से सीनियर सिटीजन्स के लिए। लोगों को बाहर निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जो भी बन पाए क्षमता के हिसाब से जो भी बन पाए, समय का योगदान भी देना चाहिए ताकि उनको आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्ल, बिल्कुल उनको देख के एक एग्जाम्पल बन के, और ये सोचकर कि वो किसी के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने आप ही। बहुत बढ़िया बंसल साहब, यही आप हमारे स्टूडियो में आए, धन्यवाद, इससे बातचीत की, मन बहुत खुश हुआ, मुझे भी। रेडियो द्वारका आपका आभारी है, थैंक यू। आई एम खन्ना तो आपका छोटे भाई की तरह है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अपना विचार, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार। लिसनर्स, हम पहले इस सीरीज में दो शख्सियत से आपको मिलवा चुके हैं, अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे। लिसनर्स, प्लीज कीप ऑन लिसनिंग टू रेडियो द्वारका, स्टेप टुवर्ड्स टुमारो।